कलर ग्रेड कैसे करें, वो भी मोबाइल से। कलर ग्रेड एक ऐसा जादू है जो आपकी बोरिंग वीडियो को भी इंटरेस्टिंग बना देगा और आपके यूट्यूब चैनल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। तो चलिए मैं आपको कलर ग्रेड करना सिखाता हूँ। ये रहा अपना विदाउट कलर ग्रेड वीडियो और ये रहे कलर ग्रेड वीडियो। यहाँ पे आप दोनों वीडियो को देखो, एक और सैम्पल है। ये है विदाउट कलर ग्रेड वीडियो, ये है कलर ग्रेड वीडियो। यहाँ पे दोनों वीडियो को ध्यान से देखो, आप कैसे कलर ग्रेड करके एक बोरिंग वीडियो को भी इंटरेस्टिंग बना दिया कलर ग्रेड से। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ VN वीडियो एडिटर। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो वीडियो अपन को कलर ग्रेड करनी है उस पर सेलेक्ट कर लिया मैंने और ये पहुँच गया अपन प्रोजेक्ट पर। वीडियो का जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको स्प्लिट करके हटा देंगे। यहाँ पे मैंने हटा दिया स्प्लिट करके। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखते जाओ बस स्क्रीन पे कैसे कलर ग्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, एक बार वीडियो प्ले करके देख लूँ सही से प्ले तो हो रहा है। यहाँ पे मैं गया फिल्टर पे, अपन को कोई फिल्टर नहीं अप्लाई करना है। फिल्टर पे गए, फिर एडजस्ट पे गए, अपन को एडजस्ट करना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। एक्सपोजर पे गए, यहाँ से एक्सपोजर प्लस माइनस करके देख लिया जैसा आपको लगे। फिर गए कॉन्ट्रास्ट पे, कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करके देख लिया जैसा आपको सूटेबल लगे, ऐसे करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कम ज़्यादा करके देखो, आपको फोटो में दिख जाएगा कि हाँ ये सही लग रहा है तो वैसे एडजस्ट कर दो। मैंने कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। अब गए ब्राइटनेस पे, ये दोपहर के टाइम शूट किया हुआ वीडियो ब्राइटनेस फुल थी तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं किया, 4-5 प्लस ही रखा। अब आ गए सेचुरेशन पे, सेचुरेशन को मेरे अकॉर्डिंग आप 50 प्लस रखो। आसपास के पेड़ पौधे जो रहते हैं सेचुरेशन से बहुत अच्छे लगते हैं, तो 50 प्लस सेचुरेशन रखो आप, बहुत ही शानदार वीडियो चलेगा। यहाँ पे मैं करके भी देख रहा हूँ, आपको सेलेक्ट करके भी बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने दो लेयर लगाई है पहले ही। ये 100 प्लस कर दिया, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। 100 तो ज़्यादा ही हो जाता पर 50 प्लस रखो, मैंने 58 रखा सिचुएशन। अब आ जाते वाइब्रेंस पे, वाइब्रेंस को फुल कर दो क्योंकि ये वीडियो में जो कलर डालना है, कलर जो डलता है वो वाइब्रेंस के अकॉर्डिंग ही डलता है, तो वाइब्रेंस को तो 100 कर दो। मैंने प्लस 77 ही रखा, ज़रूरत नहीं थी, मैंने मेरे अकॉर्डिंग रख लिया। टेम्परेचर जैसा टेम्परेचर ऐसा ही रहने दो, टेम्परेचर को ना तो घटाओ ना बढ़ाओ। अब आ जाते HSL मतलब कलर डालना। अब यहाँ पे वीडियो में ग्रीन कलर है तो मैंने ग्रीन कलर को सेचुरेशन 100% कर दिया, लाइट भी बढ़ा दी मैंने, ग्रीन कलर पे लाइट बढ़ जाएगी अच्छे से, अच्छा वीडियो दिखेगा। और भी जो जो वीडियो में कलर है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, सेचुरेशन बढ़ाई मैंने, यहाँ पे लाइट भी बढ़ाई। आपको भी वीडियो के अकॉर्डिंग कलर एडजस्ट कर लेना है, जो जो कलर है वीडियो में उसके अकॉर्डिंग आपको देख के एडजस्ट कर लेना है। देखो मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन से कलर है वीडियो में, फिर मैंने एडजस्ट किया। देखते जाओ, बाकी अब और कलर नहीं थे इसलिए मैंने और कलर को सेलेक्ट ही नहीं किया, जिन कलर का अपन को वीडियो में है उन कलर को सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपना इसमें देखते हैं क्या रहता है। ये जो ऑप्शन है ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ बहुत ज़्यादातर फिल्मों में यूज होता है। ये भी आसपास का जो पार्ट रहता है उसको डार्क कर दो या लाइट कर दो, इससे अपन कर सकते हैं। अपन मैंने इस वीडियो में ना तो डार्क किया ना लाइट किया, जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत डार्क कर दो आसपास का। प्लस 10 रखो, ज़्यादा नहीं रखने का अपने को। अब शार्पन है, वीडियो में कोई भी चीज़ कितनी शार्प दिखनी चाहिए यह काम रहता है शार्पन का। शार्पन को 10-20 प्लस रखो क्योंकि ज़्यादातर शार्प कर दोगे तो जो पत्तियाँ रहेगी, पत्तियाँ हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ही शार्प हो जाएगी, तो प्लस 10 या प्लस 20 रखो शार्पन को। मैंने वीडियो में दिखाया ह्यू जो है, ह्यू में देखो कैसे कलर बदल जाता है ह्यू के अकॉर्डिंग। माइनस कर दिया तो रेड कलर हो गया, प्लस कर दूंगा तो ज़्यादा ही ग्रीनिश हो जाएगा, तो ह्यू को भी प्लस 2 प्लस 3 रखो। यहाँ पे कलर कलर के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया है,
कैसे अपन को ज़्यादा ही ग्रीन कलर चाहिए, तो +5 +7 रख लिया अपन ने, +6 है। अब हाईलाइट, हाईलाइट को भी आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर ज़्यादा ही ब्लू लाइट आने लग गई थी आसमान में, मैंने हाई किया तो हाईलाइट हो जाती है, मतलब ज़्यादातर कोई भी चीज़ हाईलाइट हो जाती है। शेडो है यहाँ पे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेड़ पौधे हैं, उनकी छांव कितनी रहनी चाहिए, तो शेडो में अपन नॉर्मल रखेंगे तो फेड हो जाएगा, तो 10-20 शेडो रखो। और नॉइस रिडक्शन को तो बिल्कुल भी मत बढ़ाओ, नॉइस रिडक्शन जैसा है ऐसा ही रहने दो। अब मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करूँगा कैसा अपना वीडियो बना। ये है अपना वीडियो, वीडियो की वॉल्यूम कम कर दी। बहुत शानदार हो गया। अब मैं यहाँ पे दोनों वीडियो को प्ले करूंगा। ये रहा अपना फर्स्ट जिसमें एडिट नहीं किया हुआ रॉ वीडियो है। ये भी अच्छा वीडियो था, आईफोन शूट किया तो स्टेबलाइजेशन अच्छा है। और ये रहा अपना एडिट वीडियो, आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है नॉर्मल वीडियो और एडिट वीडियो में कलर ग्रेड करने में। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कलर ग्रेड कैसे करें। कैसा रहा कलर ग्रेड वाला वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।